किसी मालूम कितने चलाओ तो फिर सही है। सही सही लकड़ बग्गा को भी तो ले गई थी। अच्छा चलो तोड़ लियो तुम, बाद में बात करूंगा। देखो बहुत बुरी तरह से मारा है, खून सब निकाल दो। चलो कहाँ के हैं एक मिनट रुको, वन विभाग वाले आ रहे हैं, ब्रेक उठावेंगे, तुम लोग मत उठाओ। ना 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 ना, वन विभाग वाले जा कहीं कहीं, तुमने उछुओ क्यों? फायदा का यार, मैं कहूँ तुमसे कछुपान लगाए भाई, सरकारी चीज है। क्या नाम है? मेघनाथ। लखनपुर कस्बा? फतेहगंज। थाना? फतेहगंज। जिला? बरेली। ये आपको यहाँ पर कैसे पता लगा कि यहाँ पर जो है ये चीता है? भाई हमें नहीं पता चला, कैसे पता लगा? हम बताएं, झूठ कहते हैं खाली बोले। ये खेत आपका है? हमारा नहीं, हमारे पिताजी का है, मतलब हमारे भाई कर रहे हैं। पिताजी क्या नाम है? बीरबल। बीरबल हाँ। अच्छा तो ये आपको मतलब किस समय पता लगा कि आपके खेत में ये? मुझे तो अभी अभी पता चला है। अभी पता लगा? हाँ, शेर मर गया है, मार डाल मार करना पड़ा है। कुछ पहले मतलब कितनी देर से मरा हुआ पड़ा है? सुबह से पड़ा है या एक घंटा पहले हुआ? और जो भी नहीं पता भाई, हम पता चला कि शेर भी मर गया है, तुम्हारे खेत में डाल दो करना। अच्छा, किसी ने बताया? आपने सूचना दी? हाँ, बच्चों ने सूचना दी। अच्छा, बच्चों ने? हाँ, मतलब खेत पर आए होंगे लोग, उन्होंने बताया? हाँ हाँ बताया। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मुझे अब पता चला। हाँ, पुलिस बता लगी पहले ही। जैसा कि आप देख रहे हैं, फतेहगंज पूर्वी में ग्राम लखनपुर में यहाँ पर ईक के खेत हैं। ईक के खेत पर यहाँ पर एक चीता का शव मिला है। अब ये बताना मुश्किल है कि किसी शिकारी ने मारा है या किसी ने मारकर किसी गांववासी ने मारा है इसको, ये अभी बताना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी तक पुलिस नहीं पहुँची है और वन विभाग की टीम भी नहीं पहुँची है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही लापरवाही है। क्यों सूचित क्या कर दिया गया है वन विभाग की टीम को, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम पहुँची नहीं है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, यहाँ पर जो है गांव में खेत पर अपने आए एक गांववासी, लखनपुर के गांववासी अपने खेत पर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर चीता का शव पड़ा हुआ है। उन्होंने सूचित किया अपने परिजनों को, अपने गाँव वालों को, तो वहाँ पर एक दूसरे को बताने में भगदड़ मच गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़, इतनी भीड़ लगी हुई है कि चीता अभी तक दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं चीता को, चीता का शव। उसका शव इतना मतलब बुरी तरीके से, उसका खून निकला हुआ है मुंह से, आपको बता नहीं सकते हैं। और अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है और वन विभाग की टीम भी नहीं आई है। आखिर कब तक पुलिस पहुँचेगी? हमारे साथी कैमरामैन के साथ खबर बुलंद भारत में हूँ वाजिद मसूदी, उत्तर प्रदेश बरेली।